साहब सिंह कह रहा है ना कलम जी तलवार नालों भी तिखी होंगी इन्ना वे असर होया। उन्हें एक चिट्ठी लिखी वो पहली सतर यह लिखी भी रब किसी को बादशाह ना बनावे। जिस बादशाह बदले प्यो मारिया भरा मारिया भतीजे मारे कलगी वाले की चिट्ठी पढ़ के कहिंदा रब किसी को बादशाह ना बनावे। बादशाह की कुर्सी थले अनेक बेगुनाहां दे सिर लगे होंगे। पछतावे की मौत मर गया। यह महाराज जी की एक बड़ी वड्डी जित सी। हजूर पातशाह ने उहदे अंदर की आत्मा इस तरह टुंबिया उन्हूं ज्ञान हो गया कि सचमुच जिहड़ा मैं 52 साल राज कीता है इहदे विच मेथों कोई चंगा कर्म नहीं होया और मैं जनता नूं सताया है जनता का लहू डोलिया है लोगों नूं मारिया है ते एक एक कर्म का जवाब मैनूं देना पैना है। तां ही उहने लिखिया सी मेरी कबर दे लागे कोई रुख ना लायो मेरे वर्गे पापी बंदे की कबर नूं भी हक नहीं कि रुख की छां माणे। यह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की चिट्ठी है। तो हजूर इतों अगे किधर होंगे लंबा चौड़ा इतिहास है। आओ तुहाडियां दो कोतावां जल्दी जल्दी कह के फिर तुहातों क्षमा मंगीए। एक वीर जी कह रहे सी संत जरनैल सिंह बहुत सारिया कवितावां नैट ते भी तुसीं साडियां सुणदे हो सुण कूका पंथ दियां मुड़िया पिंडरां वालिया शेरां बहुत समां पहलां लिखी सी बहुत सारे वीरां ने उह गाई सुणी है और उस तों बाद फिर लिखी सी पिंडरां वालिया संतां दी जग अमर कहाणी। तो एक साड़ी कविता थोड़ी हट के है वो जो तो इंदिरा गांधी ने यह गल कही से भी संत जरनैल सिंह जी ने यह हिसाब ला लेना चाहिए भी तुहाडी हिंदुस्तान में गिनती किन्नी है भाव एक दाबा मारिया। वैसे डेमोक्रेसी में इस तरह का बयान जनतक प्रधानमंत्री नहीं दे सकता क्योंकि एक देश में सारे धर्म रहिंदे उस वेले धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा आनंदपुर का मता बहुत वधिया सी सारिया स्टेटा वास्ते हुण उहदी याद आउंदी है पर आनंदपुर ना करके सारी जिहड़ी हिंदू प्रैस सी उहनां ने उस मते नूं वक्खवादी मता कह दित्ता। उहदे विच साफ सी कि सेंटर सरकार रेल महकमा रख लै डाक महकमा रख लै करंसी रख लै आर्मी रख लै ते बाकी सारे अधिकार जिहड़े राजां कोल होण स्टेटां कोल होण कोई भी कानून बनाउणा उह स्टेट बनावे ये जो उपरले महकमे ये रख लो अगर वह मता लागू हो जाता सारिया स्टेटा की पावर बढ़ जानी सी ते आज जो काम मोदी ने किया वो नहीं सी कर सकता क्योंकि खेती संबंधी कोई भी कानून बनाने का अधिकार स्टेट सरकार को होंगे क्योंकि किसी स्टेट ने अपनी नीति घड़नी होंगी है जिवें कनेडा में सेंटर सरकार स्टेट दी पालसियों में कोई दखलअंदाजी नहीं करती पर मोदी ने किसान तो मारे ही है मजदूर भी मारे है भारतीय भी मार दिते ते नाल जिहड़े राज्यां दे अधिकार सी ओह भी उन्हें टेढ़े ढंग नाल खोह के पूंजीपतियां दे हवाले कर दिते। तो उस वक्त संत जरनैल सिंह जी ये लड़ाई लड़ते रहे। तो इंदिरा गांधी ने संतां नूं टारगेट बना के यह गल कही सी भी अपनी गिनती ते वेख लो ते कोई नहीं सी बोलिया कोई दूजी दी पार्टी वाला जां जिहड़े अकाली दल वाले जां कोई होर सारे ने मौन धारण कर लिया। जो प्रेस वाले मंजी साहब आए उन्हें संतान को पूछा संत कहते बीबी भुलेखा खा गई है जिहड़ी तखत ते बैठी है ये नवे गुरु तेग बहादुर जी की बदौलत है उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लेना चाहिए जब नादर शाह ते अहमद शाह अबदाली वर्गे दरिंदे इस देश दीआं धीआं गड्डियां ते बन के खड़ते रहे उदों साडे वड्डे वडेरे छडाउंदे रहे उन्होंने इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि देश की आजादी वास्ते 121 बंदे फांसी चढ़े ने उहदे विचों 93 गुरु के सिख ने उन्हूं इतिहास पढ़ लेना चाहिए इस देश की आजादी वास्ते सिखां ने किन्ना लहू डोलिया है ते जे वह गिनती का डरावा देंदी है ते उन्हूं एक गल चेते करा दिओ कि चमकौर के मैदान में 10 लाख नाल 40 लड़ गए सी और उन्होंने बाजी जित के विखाई सी गिनती पक्ष तो नहीं असीं मरदे सानू जदों मारिया कौम के गदारा ने मारिया उस वेले जो जवाब दिता से संतां ने असीं उन्हूं कलमबंद किया है। सुन दिल धड़किया दिल्ली का सुन के शेर पुकारा बीबी इंदिरा गांधी नूं संत जरनैल सिंह जी दी वंगार इन्हां शब्दां नूं जदों आखिया इंदिरा ने साडा की रौला जिहा पौणा फट गिंदी सिखां दी केड़ी गल ते रोब वखाउणा चढ़िया सड़के ते खबरां जा छपियां एक
इंदिरा गांधी ने अपने बंदे भेजे कि संत जरनैल सिंह मेरे नाल गल करन वास्ते क्यों नहीं आउंदा जब बाकी दे लीडर सारे आउंदे। संत जरनैल सिंह जी ने जवाब दिता, बीबी बाकी दे लीडर मोर्चे विचों कुर्सी लभदे है, संत जरनैल सिंह इस मोर्चे विचों कौम की आजादी लभदा है। मैं गल करनी चाहुंदा पर इन्हां लीडरां वांगू चोरी जाके नहीं दिल्ली, तू अमृतसर आ, पंथ की गल गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच होवेगी, आखो सतनाम, और सारी कौम के सामने होवेगी। मैं उन्हां विचों नहीं जिहड़े पंजाब विच कुछ कहिंदे ने ते उत्थे जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी के समझौते कर देते। इस पक्षों संत जरनैल सिंह जी नूं वखरा करके मनिया जांदा और उन्हां दी पूजा हुंदी। सो महाराज कृपा करन जब तक संत जरनैल सिंह जी की वार कह ना लईए उन्हां चिर तक जवानी की तसली नहीं हुंदी, क्योंकि संत जरनैल सिंह जवानों के दिलों में अज भी धड़कदा है और हमेशा धड़कदा रहे। जाते जाते एक हफ्ता अज दी जो 26 के संबंध में किसान मोर्चे वाले वीर ने प्रोग्राम दिता है, जदों तो देश आजाद होया 26 जनवरी को देश का जवान ही परेड करता रहा है। ये पहली बार होना भी जवान भी परेड करनगे तो किसान भी परेड करनगे, फर्क केवल यह होना है भारत के फौजी जवान टैंकों नाल परेड करनगे ते भारत के किसान ट्रैक्टरों नाल परेड करनगे। दोनों में अंतर है, टैंक जिहड़ा है वह शक्ति का प्रतीक है ते ट्रैक्टर धरती का प्रतीक है। टैंक देश की रक्षा करता है ते ट्रैक्टर धरती विचों अन्न कढ के देश के जवान का ढिड भरदा है। यह परेड दसेगी हिंदुस्तान की सरकार नूं कि असीं हाले जिउंदे हां ते जिन्ना चिर जिउंदे हां उन्हां चिर तुसीं साडी धौम ते गोडा नहीं रख सकदे, क्योंकि मोदी ने जो कीता है यह सचमुच कल्ले किसान के विरुद्ध नहीं है। तुसीं ध्यान नाल वेखोगे इहदा नाल बहुत लोग मरदे ने, तो लोग हुण जाग उठे ने, बेइज्जती उहदी हो रही है, लोगों ने उत्थे बुत बना के गल च छत्रां दे हार पाए ने और हर बंदा गालां कढ रहा है, पर कई बंदे ढीठ ही इन्ने हुंदे ने वो किसी की गल सुन के राजी नहीं हुंदे। कल जदों असीं आ रहे सी अगे अगे साडे इक गड्डी आ रही सी फगवाड़े तो अगे, वो मगर नंबर जे चल रहे सी उन्हां नंबरां विच नाले ते 20-22 किलो की गाल कढ़ी हुई सी ते नाले लिखिया होया सी मोदी नूं गाल नहीं कढ़नी, कग नहीं छड़ी सी ते नाल इह लिखिया होया सी, और जणा खणा गालां कढ रहा पर उन्हें लगता ही नहीं। हुण तां जनानियां ने अपने लड़न का मजबून भी बदल लिया, दो जनानियां लड़ियां, एक कहती तेरा रहे कख ना, वह कहती कोई गल नहीं, पर जिहड़ा मैं मेहना देने लगी वह भी सुन, कहती वह की, कहती तेरे घर मोदी वर्गा नलायक मुंडा जमे जरा जिसे बूहे दे अगे सारा पिंड धरना ला के बह दे ते उन्हूं शर्म ही ना आए। किस मुँह से काबा जाओगे गौरव, शर्म है मगर तुझे आती नहीं, वो हाल देश के प्रधानमंत्री का। तो सो आओ श्रवण करो, एक नवी एक झक पेश आने लगी है। 1947 तो बाद 73 साल के आजादी के रिकॉर्ड में पहली बारी देश का किरती कामा मजदूर ते किसान और रल के ट्रैक्टर परेड कढ के अपने हक मंगणगे, बेनती क्यों की जा रही। ਸੰਨ 2021 ਨੂੰ ਰੱਖੂ ਯਾਦ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾ ਵੇ ਭਰਿਆ ਰੋਸ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ, ਰਾਤ ਕਰਵਾਵਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕੱਠ ਦਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਐਤਕੀ ਹੋਊ ਪਰੇਡ ਨਿਆਰੀ। ਸੰਨ 2021 ਨੂੰ ਰੱਖੂ ਯਾਦ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾ ਵੇ ਭਰਿਆ ਰੋਸ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ, ਕਰਵਾਵਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਰ
साथ बुलाने ਬਹੁਤ
तो वीर जी ने साडा साथ दिता है गुरु महाराज कृपा करन हुण असां चले जाणा सरदार मक्खन सिंह जी नूं बेनती है कि ओह फिर सानूं छेती नाल तोर देवे क्योंकि इहने भई सारा तुहाडा सुनेहा जिहड़ा है साडे तक पहुंचाया। तो जदों दे असीं क्विशरी कर रहे हैं दुआबे विच बहुत प्रोग्राम लाए ने पर पहली बारी तुहाडे नगर दा असीं नगर कीर्तन जिहड़ा उह वेख्या मन खुश होया कि दुआबे दी धरती ते इक नगर है जिन्हों के अंदर कविशरी प्रति ढाडी कला प्रति सत्कार है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज तुम होर बल उदम बख्शन पाइया फुलों की कमाई बहुत सारे नौजवान वीर ने माया अरदास कराई है भैणों वालों भी माया पाई है ये मोर्चा ही नौजवानों ने फतेह करना है तो भैणों के जज्बे को सलाम है ये भी बेचारियां उत्थे डटिया हुई हैं कुड़ियां ने स्पैशल ट्रैक्टर चलाने सीख लिया है वेखो गुरु महाराज की कृपा कि असं भी उत्थे जाके परेड के हिस्सा लवेंगे हैं। तो एक किस्म की जागृति भी आई है हो सकता है कोई राजनीतिक खेत्र भी नवी लहर आ जाए तो पंजाब की किस्मत बदल जाए क्योंकि लहर चो लहर निकल दिया होंगे गुरु नानक साहब महाराज कृपा कर दें तो पंजाब नूं वैसे हम तब्दीली की जरूरत भी है क्योंकि हर खेत्र के जो खड़ोत आ जाती है फिर जनता जी है वो कोई नवा रंग चाहती है। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कृपा कर पंजाब एक नवी दिशा वल वधे देश एक नवी दिशा में तुरे वो लोग आउण जिन्हों की भगत सिंह ने कामना की इस तरह के लोग तख्तों पर बहन जिन्हों का सुपना लिया साडे शहीदां ने गदरी बाबिआं ने भी असी शहीद हो जाएंगे कोई गल नहीं पर साडे देश के लोग आजादी का सुख मानन सो इस तरह के लोगों के हाथ में देश की वागडोर आवे। गुरु नानक साहब महाराज की कृपा करो सरबत गुरु की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद कल के दौरान में अज के दौरान में होइया भुलों की आप जी तो खिमा बोलद चलद कोई शब्द अजोक्या गया हो हाथ जोड़ के आप जी तो खिमा साध